सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर वीडियो अंत तक देखिएगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो अगर 2024 में आप कोटा आने की सोच रहे हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कोटा आते हो तो 2024 में, मतलब कि 2024 से 25 वाले सेशन में अगर आपका एडमिशन लेना है, चाहे आप एक नीट एस्पिरेंट हो या जेईई एस्पिरेंट हो, तो इस वीडियो के अंत तक देखना। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अभी अगर आप कोटा में आते हो तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हो। टॉप 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आप 2024 में एडमिशन ले सकते हो नीट या जेईई के प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए, बिना समय को बर्बाद किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अगर सबसे पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट का बात करें तो गाइज, आप सभी को पता होगा, जिसके नाम से कोटा कहीं ना कहीं जाना जाता है और वो बहुत ही अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो जो पहले नंबर पे हम रखना चाहेंगे, उसे रखना चाहेंगे एलएन कैरियर इंस्टीट्यूट। तो गाइज, चाहे आपको नीट का प्रिपरेशन करना हो या आपको जेईई का प्रिपरेशन करना हो, आप एलएन में एडमिशन ले सकते हैं। जो गाइज, दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में भी हम बात करना चाहेंगे, आप सभी जानते होंगे कोटा में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत फेमस है, खासकर जेईई के लिए तो बहुत फेमस है। तो जो हमारा दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट होने वाला है, वो होने वाला है मोशन। तो गाइज, अगर आपको नीट या जेईई का प्रिपरेशन करना है तो आप मोशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। जो गाइज, हमारा तीसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट होने वाला है, जो कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो हमारा तीसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा वो होगा अन अकेडमी। तो गाइज, चाहे आपको नीट का प्रिपरेशन करना हो या आपको जेईई का प्रिपरेशन करना हो, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ सालों से अन अकेडमी भी ऑफलाइन ब्रांच स्टार्ट कर चुका है, तो आप जाके अन अकेडमी में भी एडमिशन ले सकते हैं नीट या जेईई के लिए। जो गाइज, चौथा कोचिंग इंस्टीट्यूट का हम बात करेंगे तो वो होने वाला है आकाश। तो गाइज, आप आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी नीट या जेईई के लिए एडमिशन ले सकते हैं। और जो हमारा पांचवा कोचिंग इंस्टीट्यूट होने वाला है गाइज, वो होने वाला है पीडब्ल्यू, मतलब कि फिजिक्स वाला। तो अगर 2024 से 2025 वाले सेशन में आपको एडमिशन लेना है नीट या जेईई में, तो आप पीडब्ल्यू में भी एडमिशन ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। बाकी गाइज, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सभी के फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सभी के फीस स्ट्रक्चर वेरी करते हैं, किसी का भी सेम नहीं मिलेगा, किसी का थोड़ा ज्यादा है, किसी का थोड़ा कम है। गाइज, मैंने अपने हिसाब से टॉप 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बताया है जो कि मुझे अच्छा लगता है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, आप उनके तरफ भी जा सकते हो। और गाइज, जो मैंने नंबरिंग से बताया कि फर्स्ट नंबर पे मैंने एलएन का नाम लिया है, दूसरे पे मैंने शायद अन अकेडमी का नाम लिया, तो गाइज ऐसा नहीं है कि अगर मैंने फर्स्ट पे किसी का नाम लिया तो वो बहुत अच्छा है, फिफ्थ पे किसी का अगर मैंने नाम लिया तो वो बहुत खराब है। ये मैं ऐसे ही रैंडमली आपको नाम बताया कोचिंग इंस्टीट्यूट का। बाकी ये पांचों कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा है, तो किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हो नीट और जेईई के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।